हेलो गाइस आई होप आप बड़े अच्छे होंगे ओके okay. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी सी सी पैराबेसिक कोर्स या पैराबेसिक कैंप के बारे में आपको पता ही होगा एनसीसी कैडेट्स को पैरा ट्रुपर बनने का मौका मिलता है तो वो कौन सा कैंप होता है उसमें कैसे सिलेक्शन होता है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे सो लेट स्टार्ट पैराबेसिक कोर्स ओके पैराबेसिक कोर्स साल में दो बार होता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर ओके हर एक कैंप में कैंपस गोट फोर्टी रिजर्व वैकेंसीज, ट्वेंटी फोर यानी ट्वेंटी फोर गर्ल्स एंड ट्वेंटी फोर एस टी स्कूल के बच्चों के लिए नहीं होता है ओनली सीनियर डिवीजन के जो कैडेट्स हैं वो उसको अटेंड कर सकते हैं ओके डीजीएनसी अलॉट वैकेंसीज टू सेवनटीन डायरेक्टरेट ऑन देर स्ट्रेंथ जिस जो डायरेक्टरेट बड़ा है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उसको थोड़ी ज्यादा वैकेंसी जो कम है कम वैकेंसी लेकिन हर एक सत्रह डायरेक्टरेट में वैकेंसी आएंगी ओके okay. उसके बाद ये हमने डिस्कस कर ही लिया उसके बाद जनरली क्या होता है जो जा हाई स्ट्रेंथ के डायरेक्टरेट हो उनको दो या तीन छः वे, तीन वैकेंसीज मिलती मैक्सिमम से मैक्सिमम चार वैकेंसीज मिल सकती हैं ओके सेम फिर डायरेक्टरेट ग्रुप हेडक्वार्टर्स को अलॉट करेंगे कई बार बारी बारी करते हैं ओके सपोज तीन वैकेंसी आती है और छः ग्रुप हेडक्वा तो तीन को एक साल दे, दे देंगे तीन को नेक्स्ट ईयर या ये तीन को एक कैंप का दे देंगे तीन को नेक्स्ट कैंप का दे देंगे ओके okay, उसके बाद पर्टिकुलर हेडक्वार्टर यूनिट या स्कोड में उसको अलॉट कर देता है ये तीनों के लिए होता है ओके नेवल विंग एयर विंग एज वेल एज आर्मी विंग सॉरी आई डोंट थिंक सो इट इज फॉर एयर विंग ओ सॉरी नेवल विंग आई नीड टू फाइंड इट आउट ओके क्योंकि शायद उनका डाइवर कैंप होता है मे बी नाउ बात करते व्हाट आर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द कैंप ओके द मिनिमम क्राइटेरिया मतलब मिनिमम है इससे ज़्यादा ही ये हर बार होता है वन किलोमीटर रन इन फोर मिनट्स ओके थर्टी सिक्स कोर्ट्स यानी उठक बैठक ओके थर्टी टू सीटअप्स ओके जो लेट के आप एब्स के लिए एबडोमिनल मसल्स के लिए लगाते हो ओके फाइव पुलअप्स देर आफ्टर ट्वेंटी टू पुसप्स ये एक मिनिमम है ओके ज़्यादा कॉम्पिटिशन में ऑफिस सी बात है ज़्यादा 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 ही होगा ओके ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्टार्ट फोर ओके वैकेंसी आना अलॉटमेंट होना होना इसमें इस चार महीने लगते हैं एंड ओनली द फॉर्चुनेट वन सपोज अगर किसी ग्रुप में ही किसी डायरेक्ट्रेड में तीन वैकेंसीज आए तो ग्रुप में मैक्सिमम एक ही वैकेंसी आएगी ओके okay, उस ग्रुप में लगभग लगभग जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनमें कम से कम बीस से बाईस स्कोर्डन यूनिट सब कुछ मिला के होता है ओके okay, दस पंद्रह तो होते ही होते हैं ओके तो अब देखो उनमें से भी किसी एक यूनिट में एक वैकेंसी जाएगी वो ठीक है फर्दर यूनिट में भी पांच छह कॉलेज मिनिमम होते हैं तीन चार तो होते ही हैं ओके फिर किसी एक कॉलेज में वो जाएगी वहां पे फिर ये अगर आप लकी हो आप उधर बेस्ट हो तो मे भी आपको अलॉट हो सकती है मे भी किसी और को अलॉट हो सकती है ओके फिर उनका यूनिट लेवल पे इंटरव्यू होता है ग्रुप लेवल पे और फिर डायरेक्टरेट लेवल पे इंटरव्यू होता है कंपटीशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये भी क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं ओके ये पूरा मतलब इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टरेट टू सेलेक्ट द कैंडेट ऑन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ओके मे बी पंजाब हरियाणा हिमाचल और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट है उसका फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा हो ओके मतलब हर एक डायरेक्टरेट के साथ वेरी करेगा एम सी जी का मे भी थोड़ा कम हो तो दिस इज इट वेरीज फ्रॉम डायरेक्टरेट टू डायरेक्टरेट ओके तो पैराबेसिक कोर्स के बारे में एनसीसी कैडेट को तीन जंप्स एंटाइटल्ड होते हैं ओके okay, अगर टाइम परमिट करता है तो वो पूरे पांच भी करते हैं लेकिन कभी कभार अदरवाइज मैक्सिमम आप तीन ही जंप्स करके वहाँ से रूटेड बैक होते हो ओके okay, यानी अपना कैंप पूरा करके आते हो वैसे रूटेड बैग नहीं होते हो द कैंप लास्ट फॉर ए लगभग एक महीने का कैंप होता है तेईस चौबीस दिन का ओके इनिशियल डेज में आपकी ट्रेनिंग होती है देर आफ्टर आपका जंप होता है जो ट्रेनिंग को पास करता है उसी को जंप के लिए मौका मिलता है ओके जम्प्स आर इजी पर द ट्रेनिंग इज हार्ड दिस इज दर्सू डाइज से दिस इज क्रक्स ऑफ द बेसिक कोर्स ओके पीटीएस आगरा में पैरा ट्रुपर स्कूल्स आगरा ओके इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है ये स्कूल आगरा में है यहाँ पे ही पैरा की ट्रेनिंग होती है बेटी और आई पी एस ऑफिस बेटी ऑर सी ए पी एफ ऑफिसर्स बेटी ऑर आर्मी के पैरा कमांडोज या आर्मी ऑफिसर मरीन कमांडोज और नेवी के ऑफिसर्स और यूर करउड कमांडो एयरफोर्स के ऑफिसर एनी फेलो इज बिंग ट्रेंड बाय इफ इट इज ही और शी इज ट्रेंड बाय गवर्नमेंट ही इज गोइंग टू गेट ट्रेनिंग इन पी टी एस आगरा ओके तो वहां पे आपके मे बी और मे नोट भी ओके मोस्ट प्रोबेबली ये सब ये आपके रूममेट्स होंगे या आजू बाजू में इनके भी लाइन एरिया होगा तो बड़ा ही प्रेस्टिजियस कोर्स है आईमस से आर्मी एयरबोन ट्रेनिंग स्कूल है एयरफोर्स स्टेशन आगरा के ही बाजू में ओके okay, पीटीएस के ही बाजू में आफ्टर द कोर्स आप ऑथराइज हो जाओगे पैरा विंग्स पहनने के लिए ओके okay, आप अपने ऑल दो एन सी मरून बैरेट लगाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं बट विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम यूर सी ओ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट यू कैन वियर द मरून बैरेट ओके धैन फाइनली योर विंग्स एंड बैरेट विल बी जोअर्स ओके आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी इफ़ स्टिल यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली ऑन द इंस्टाग्राम or you can download this pdf of this particular lecture from telegram that's all from my side in this video okay please do share the video thank you jahin